कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस का बड़ा एक्शन। बिश्नोई को कांग्रेस ने सभी पदों से हटा दिया है। सीडब्ल्यूसी के स्पेशल इनवाइट मेंबर पद से भी हटाया गया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने पर कार्रवाई की गई है। कुलदीप बिश्नोई पर कांग्रेस का यह बड़ा एक्शन सामने आया है। बिश्नोई को कांग्रेस ने सभी पदों से हटाने का फैसला किया है। और आपको यह भी बता दें कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग कुलदीप बिश्नोई ने की है राज्यसभा चुनाव में, उसको लेकर कांग्रेस का ये बड़ा कदम। इससे पहले सुबह भी हमने आपको अपडेट दी थी कुलदीप बिश्नोई पर जो कार्रवाई, जो एक्शन कांग्रेस की तरफ से लिया गया था, और अब एक और बड़ी इसमें अपडेट आ गई है। सभी पदों से हटाने का फैसला कांग्रेस ने किया है, यानी कि सीडब्ल्यूसी के स्पेशल इन्वाइट मेंबर पद से भी हटाने का फैसला कांग्रेस ने कर लिया है कुलदीप बिश्नोई को। तो अब कुलदीप बिश्नोई इसके भी सदस्य नहीं रहेंगे, सीडब्ल्यूसी के स्पेशल इनवाइट मेंबर भी अब वो नहीं रहेंगे। ये बड़ा एक्शन कांग्रेस की तरफ से कुलदीप बिश्नोई पर लिया गया है, और इसके लिए एक लेटर जो जारी किया गया है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद ये निर्णय, ये एक्शन लिया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सभी पदों से हटाने की एक और खबर यहां पर सामने आ गई है, क्योंकि एक्शन तो दिन में ही ले लिया था, लेकिन अब जो बाकी एक पद बचा था उससे भी हटाने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ दो केसी वेणुगोपाल ने एक लेटर जारी किया है, उसमें राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ी कार्रवाई की है। कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस के सभी पदों से हटाया गया है, और बात की जाए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के स्पेशल इन्वाइटी के मेंबर पद से भी कुलदीप बिश्नोई को हटाया गया। जिस प्रकार से कल राज्यसभा का चुनाव था, और उस चुनाव में कहीं ना कहीं खबरें, अभी माफ कीजिएगा, हरियाणा न्यूज की तरफ से सबसे पहले ये दिखाया गया था कि कुलदीप बिश्नोई ने जो है वो क्रॉस वोटिंग की है, और ऐसे में कहीं ना कहीं सबसे पहले हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया कि कुलदीप बिश्नोई जो है क्रॉस वोटिंग जो उन्होंने की, और उसके बाद से लगातार चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका था कि कुलदीप बिश्नोई पर अब क्या कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई पर बड़ी कार्रवाई जो है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से की गई है, और कहीं ना कहीं उनको तमाम पदों से, कांग्रेस के तमाम पदों से हटाया गया है। जी और सीडब्ल्यूसी का जो स्पेशल इनवाइट मेंबर पद था, अब उससे भी कुलदीप बिश्नोई हटा दिए गए हैं। रवि, फिलहाल क्या कुलदीप बिश्नोई की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आ पाई है? देखिए फिलहाल अगर प्रतिक्रिया की बात करें तो किसी प्रकार की कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि हिसार में उनकी जो आवास है, उनकी जो कोठी है, उसके ऊपर भी अभी जो कांग्रेस का झंडा है वही झंडा जो है अभी तक लहरा रहा है। किसी प्रकार का उन्होंने झंडा नहीं हटाया, कोई झंडा नहीं हटाया। रवि, क्या माना जाए, उम्मीद की होगी कुलदीप बिश्नोई ने इसकी? जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई लगातार नाराज चल रहे थे, उन्होंने राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा था, तो उन्होंने प्री प्लान एक मन बना लिया था, अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन होती है, राहुल गांधी उनसे नहीं मिलते, तो मैं क्रॉस वोटिंग करने वाला हूं। कहीं ना कहीं अपना कद दिखाने के लिए, अपना वजूद बताने के लिए कि मैं भी कुछ हूं, कांग्रेस में मेरी भी कुछ अहमियत है, अगर आप मेरे को दरकिनार करेंगे तो मैं कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ जाकर अपनी अंतरात्मा के साथ वोटिंग करूंगा। तो वो लगातार अंतरात्मा की बात कर रहे थे, उसी के चलते उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, और उनको पहले ही पता था कि इस प्रकार की वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर बड़ा एक्शन जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो ले सकता है। जी तो क्या माना जाए, आगे की भी उनकी कोई पहले से ही प्लानिंग तैयार होगी, क्या लगता है रवि? बिल्कुल, देखिए प्लानिंग की अगर बात की जाए तो प्लानिंग उन्होंने बिल्कुल पहले ही कर ली होगी। किसी प्रकार की उनकी बातचीत जो है किसी राजनीतिक दल के साथ जरूर चल रही होगी। जिस प्रकार से कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात की जाए तो उनसे सवाल पूछा गया था कि आपका एक और विधायक जो है आपके खाते में जुड़ जाएगा या जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये साफ कर दिया था कि अगर कुलदीप बिश्नोई भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त करना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। तो कहीं ना कहीं बातचीत का जो दौर है वो चल रहा है लगातार। जिस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते हैं, हालांकि वो तारीफ जो है उनके क्षेत्र के कामों के लिए करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर कुलदीप बिश्नोई के मन में भी जरूर है मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए। तो कहीं ना कहीं बातचीत का जो दौर है वो जरूर चल रहा होगा, और कहीं ना कहीं आगे की रणनीति जो है वो तय कर ली होगी। उसके बाद ही इस प्रकार का जो बड़ा एक्शन, बड़ा जो स्टेप जो है कुलदीप बिश्नोई ने उठाया क्रॉस वोटिंग करने का। जी
चलिए ठीक है, और बड़ा अब एक्शन यहां पर कांग्रेस भी लेती हुई नजर आ रही है। सभी पदों से हटा दिया गया है कुलदीप बिश्नोई को। बहुत शुक्रिया रवि आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।